हेलो एवरीवन, मैं हूं चिराग गोयल, आपका मेंटर, आपका बडी। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं लूप्स। तो क्या है ये लूप्स? हम जब से पैदा होते हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ लूप में ही होता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में समर वेकेशंस में हमें काम दिया जाता है कि इन क्वेश्चन आंसर्स को, इस चैप्टर को 5 टाइम्स लिख के आना है, तो वो एक लूप है। हमें कोई पनिशमेंट भी देनी होती है, वो भी लूप में मिलती है। आपने ये काम नहीं किया, आपने सही से कुछ कुछ नहीं किया, तो आपके पीटी टीचर क्या करते थे ग्राउंड में, चलो ग्राउंड के 5 चक्कर काटो, राइट? सो नाउ यू हैव टू लाइक गो अराउंड ऑन द ग्राउंड फॉर 5 टाइम्स। सिमिलरली हमें दूध वाला भी डेली दूध देने आता है। मॉर्निंग में उठा, दूध दे के आया, चला गया। हमें जेरोक्स कराना होता है, उसकी भी फाइव, ऐसे कहते हैं कि 5 टाइम्स कॉपी दे दो। तो जेरोक्स में भी 5 टाइम्स क्या है, लूप में एक के बाद काम हो रहा है। मुझे तो कई बार लगता है हमारी लाइफ ही एक लूप है। सुबह उठो, सुबह उठने के बाद आपकी डेली रूटीन, ब्रश फ्रेश हो, उठो, कॉलेज जाओ या ऑफिस जाओ, वापस आओ, कुछ काम करो, वापस रात में सो जाओ, फिर से सुबह उठो, तो एक लूप है। कई बार तो लाइफ ही एक लूप लगती है। तो चलिए ठीक है, हम अपनी लाइफ के अलावा एक बार प्रोग्राम में समझते हैं कि लूप्स क्या है और क्यों जरूरी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके के लूप्स बेसिकली हम बेसिकली प्रोग्राम में देख सकते हैं, स्पेशली जावास्क्रिप्ट में। तो लूप्स क्या है, लूप्स किस टाइप के हैं बेसिकली, और क्यों ही लाइफ लूप्स की लाइफ में जरूरत है या प्रोग्राम में जरूरत है, उन्हें देखते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये लूप्स है क्या, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लूप्स बेसिकली क्या है, लूप्स कुछ स्पेशल नहीं है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जिस इंस्ट्रक्शंस को बार आपका इंस्ट्रक्शंस जो कंप्लीट हो जाती हैं, फिर वो दोबारा से इंस्ट्रक्शंस को कमांड दी जाती है कि फिर से वो काम करो। तो अगर आपसे कोई कोई काम कहा गया है कि दीज आर द 5 स्टेप दैट यू हैव टू डू, वो 5 स्टेप करने के बाद आपको फिर से वो स्टेप करना है, फिर से वो स्टेप करना है। तो ये स्टेप आपको कब तक करने होते हैं, जब तक आपको एक कंडीशन जो दी गई है वो कंडीशन मीट नहीं हो जाती है। तो जैसे आपके आपको ग्राउंड के लिए पनिशमेंट मिली है, तो उस पनिशमेंट में भी हम क्या करते हैं, उस पनिशमेंट में आपसे कहा जाता है जाओ ग्राउंड के चक्कर 5 टाइम्स लगाओ। तो आप जब चक्कर लगाते हो ग्राउंड के, तो आप 1 2 3 4 5, जब आपके 5 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं देन यू आर डन। सिमिलरली आपको पनिशमेंट डिफरेंट कंडीशंस पे दी जा सकती है। जैसे कि आपको इसके चक्कर लगाने हैं जब तक सनसेट ना हो जाए, तो आप पूरे दिन चक्कर लगाते रहोगे, जैसे ही सनसेट हुआ तब तक आपका काम डन। तो सिमिलरली कंप्यूटर को भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्रोग्राम को भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कहते हैं कि भैया कुछ सीरीज है, कुछ प्रोसेस है, ये आप तब तक करते रहो जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता। एक बार आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गए, एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर से जाओ बिगिनिंग से, शुरुआत से, और वो काम करो। तो ऐसे प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम रिपीटेडली कुछ कंडीशन को मेट करते हुए करने तक वो चीज बार 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 करवाते हैं। तो टिपिकली ये जो चीजें होती हैं, ये पीस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, अगर देखा जाए तो कंडीशन, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग टाइम पे हम ये सारी चीजें सीक्वेंस ऑफ डायरेक्शंस बेसिकली कराते रहते हैं, ठीक है? इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसको हमें समझना है, वो ये कि अगर हमने जो कंडीशन है वो सही नहीं दी, तो ये जो हमारा लूप है ये इनफिनाइट में चला जाएगा। इसका क्या मतलब है, इनफिनाइट का क्या मतलब है, अगर अगर आपको पनिशमेंट देते समय ये ना कहा जाए कि इस ग्राउंड के 5 राउंड लगाने हैं, आपसे सिर्फ कहा जाए कि इस ग्राउंड के राउंड लगाते रहो, तो क्या होगा, आप जाओगे 1 2 3 4 5, आप ग्राउंड में राउंड ही लगाते रहोगे, क्योंकि आपको किसी ने कोई टर्मिनल कंडीशन ही नहीं बताई है, किसी ने बताया नहीं कि आपको रुकना कब है। आपको ये तो बताया था कि जाना चलना कब है, शुरुआत कहां से करनी है, पर रुकना कब है किसी ने नहीं बताया, तो ये आप इनफिनाइट लूप में चले जाओगे। तो भैया इंसान हो, एक एनर्जी है, एक टाइम तक ही ग्राउंड के चक्कर लगा सकते हो, जिंदगी भर चक्कर थोड़ा लगा सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। सिमिलरली प्रोग्राम है, प्रोग्राम के केस में, सिस्टम के केस में, इसकी भी एक मेमोरी है, इसकी भी कैपेसिटी है, ये भी एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकता है। आपने इसको एक काम लाइफ टाइम करने के लिए कह दिया, तो कभी तो इसकी मेमोरी खत्म होगी। जब इसकी मेमोरी खत्म होगी तो ये टर्मिनेट करेगा और आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा और कहेगा कि बस मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो हमेशा कभी भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, हमेशा कभी भी लूप हो, भला वो लाइफ में हो या प्रोग्राम में हो, उसकी एक टर्मिनल कंडीशन डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है? तो इसके साथ हम देखते हैं लूप की जरूरत ही क्यों है, मतलब अगर लूप नहीं होगा तो काम हो सकता है ना। तो से सपोज आपको पनिशमेंट ही मिलती है, आपको 5 राउंड लगा देते हैं, अब हर बार आपका पीटी टीचर आपको कहता है 1 राउंड कंप्लीट होने के बाद एक और राउंड लगाओ, एक और राउंड लगाओ, तो आपको 10 राउंड लगाने के लिए उसको 10 बार आके बोलना पड़ेगा कि एक और राउंड लगाओ, एक और राउंड लगाओ। आपको होमवर्क मिला, आपको 5 कॉपीज, क्या कहते हैं, रिपीटेडली आपको 5 टाइम्स एक सोल्यूशन, एक पैराग्राफ, एक चैप्टर को के आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखने थे। आपने क्या किया, आपका टीचर आके हर बार एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कहेगा नहीं फिर से एक बार और लिख के, फिर से एक बार लिख गया, तो ये तो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको जो भी कंज्यूम करना चाह रहा है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देनी है, उसके लिए हेडेक हो गया। तो अगर हम
प्रोग्राम को अगर हम स्टार्टिंग में आपको सही इंस्ट्रक्शंस दी जाए तो वो काम इजीली हो सकता है, जिसमें हम उसको लूप के थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेसिकली आप बार बार लूप में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेनिफिशियल होता है। और ये हमारा, जैसे हमने बात की थी कि एक टर्मिनल कंडीशन तक आपका लॉजिकल जो भी असर्शन है तब तक वो चीज काम करेगी। और इसका बेनिफिट है कि आपको बार 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 इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है, एक बार इंस्ट्रक्शंस देने पे आपका वो काम हो जाता है। तो इसलिए बेसिकली इसके बेनिफिट्स हैं, और लूप का हर जगह यूज है। आप लाइफ में हर जगह लूप देखते हो, बस आपको आंखें खोलने की जरूरत है, आपको दुनिया में हर जगह लूप ही दिखाई देगा। एक ट्रेन है, आज जाती है फिर कल वापस सेम टाइम पे आ जाती है, एक ट्रेन जाएगी फिर वापस सेम टाइम पे आ जाएगी। तो लाइफ में सेम है, आपके मंथ्स अगर देखे जाए तो हम अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो भी क्या कर रहा है, एक लूप में ही है कि अर्थ सन के ऐसे लूप में चक्कर ही लगा रहा है। ठीक है, तो लाइफ में हर जगह लूप है, हमें सिर्फ देखने की जरूरत है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस टाइप के लूप्स होते हैं। अब किस टाइप के लूप होते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है आप ऐसे समझते हैं कि अगर हमारे पास अभी दो टाइप के लूप्स हैं, एक जिसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप और जिसको एक दूसरे को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। तो इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंट्री कंट्रोल में हम कह रहे हैं कि जब आप एक लूप में एंट्री कर रहे हो, एक काम जिसको आपको बार 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 रिपीट करना है उसमें आप एंट्री कर रहे हो, आपने उसी समय आप कह रहे हो कि किस कंडीशन पे आप आगे काम करोगे और किस कंडीशन पे आप बाहर चले जाओगे। तो आपका एंट्री कंडीशन और एग्जिट कंडीशन के केस में, एंट्री के केस में आप स्टार्टिंग में ही बोल दोगे, एग्जिट के केस में आप लास्ट में बोलोगे कि अच्छा किस कंडीशन पे अब आपको वापस आना है और किस कंडीशन पे आपको वापस नहीं आना है। ठीक है, तो इस केस में सीधा सा है, आपका प्री चेकिंग होगी आपके एंट्री कंट्रोल में और लास्ट मोमेंट पे एग्जिट चेकिंग होगी आपके एग्जिट के केस में। तो चलो उसको एक डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में बेसिकली ऐसे समझते हैं, आपने एंट्री किया, अब एंट्री करने के बाद आपको एक चेक किया गया कि क्या भाई आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है या नहीं है, क्या आप आगे काम कर सकते हो, आगे प्रोसेस करोगे या नहीं करोगे, स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया। अगर आप कर सकते हो तो आपसे कहा जाएगा जाओ भाई आपका जो भी काम था वो आप काम कर लो, और काम करने के बाद वापस आ जाओ, दोबारा से चेक करो कि क्या आप अभी वापस काम कर सकते हो, कर सकते हो तो फिर से वापस चले जाओ। जब तक आप काम कर सकते हो, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, तब तक आप वो काम करोगे और वापस चले जाओगे फिर से। कभी भी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप यहां से रिटर्न कर जाओगे। तो एज सिंपल एज, जैसे हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम अगर हमारी एज 60 से कम है तो हम हर साल काम कर सकते हैं, हमारा काम किया वापस गए, नए साल में नए एज में आए, फिर से कंडीशन चेक हुई क्या आपकी एज 60 हो गई है, नहीं हुई है तो आप वापस से काम कर सकते हो, वापस से काम कर सकते हो। जब हमारी एज 60 हो गई तो हमारी रिटायरमेंट हो गया और रिटायरमेंट के टाइम पे फॉल्स कंडीशन हो गई, हम वो बाहर आ गए। तो ये जो हमारी चीज हो गई, ये हमारी एंट्री कंडीशन हो गई, जिसमें हम इंश्योर करना चाहते हैं स्टार्टिंग में ही हम जो भी चेक है वो कर ले, उसके बाद काम होने दे। ठीक है, ऐसे ही एग्जिट के केस में होता है। एग्जिट के केस में क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जिस केस में क्या होता है, हम कहते हैं कि अच्छा चलो काम तो स्टार्ट करो, काम तो करो, एक बार काम आप कर लो, पहली बार आप काम कर लो, आपके पहली बार काम करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप फर्दर काम स्टार्ट रखोगे या नहीं रखोगे। तो आपने फर्स्ट टाइम काम किया, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक हुई, अब कंडीशन चेक होने के बाद आपको वापस से भेजा गया और फिर से आपने काम किया, फिर से कंडीशन चेक हुई, जब भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अब वापस हम यहां से बाहर आ जाएंगे। तो इस केस में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या फर्क पड़ेगा कि अगर हम पहले कंडीशन चेक करें या बाद में कंडीशन चेक करें, क्या इससे फर्क पड़ता है? तो जनरली अगर आपने देखा होगा कि आपको कोई काम, अगर किसी इंसान से कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई चीज अर्जेंटली आपको स्टार्ट करनी है, तो आप क्या कहते हो, उसने किसी ने कहा कि ठीक है मैं आपको हर मंडे से आके आपका ये काम कर दूंगा, हर मंडे को आके आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा, अब आप हो फ्राइडे में या सैटरडे में, अब आपको चाहिए नहीं ये तो काम मेरा अर्जेंट है, आज तो कर दो बाकी मंडे से कर देना, नेक्स्ट टाइम में आप मंडे आना पर आज कर दो, आज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आज बहुत जरूरी है। तो वो जो केसेस होते हैं वो आपके एग्जिट कंट्रोल्ड लूप के तरीके से होते हैं, जिसमें आप, हम इंटरनली अगर प्रोग्राम की लैंग्वेज में बात करें तो हम डू वाइल की बात करते हैं, और जहां पे हम बात करते हैं एंट्री कंडीशन की वहां हम वाइल लूप यूज करते हैं। तो इस केस में हमारा वाइल लूप यूज होता है और एग्जिट कंडीशन में यहां पे मोस्टली हम डू वाइल लूप यूज करते हैं। तो ये डू वाइल लूप होता है। ठीक है, इसको हम कोड देखेंगे, इसकी सिंटेक्स देखेंगे और प्रोग्राम करेंगे, कोड करेंगे, साथ में बने रहिएगा।
तो चलिए अब हमने एंट्री कंडीशन देखी, एग्जिट कंडीशन देखी, हमने कहा कि कुछ तो वाइल होता है कुछ तो डू वाइल होता है, दोनों में डिफरेंस हमने समझे कि एक में कह रहे हैं कि एक बार तो काम कर लो उसके बाद फिर जो भी आपकी कंडीशन है उस पर काम कर लेना, और दूसरे हम कह रहे हैं नहीं नहीं पहले अपनी कंडीशन चेक होगी, अगर आप काम कर सकते हो, अगर आपकी कंडीशन मीट होगी तभी आप आगे फर्दर काम करोगे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ समझते हैं हमारे पास जो क्या चीजें हम कवर करेंगे। हम लिस्ट लूप, व्हाइल लूप कवर करेंगे और डू व्हाइल लूप कवर करेंगे, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, पहली बात करेंगे व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप के केस में बेसिकली क्या होता है, व्हाइल लूप रिपीटेड काम करने के लिए, कोई भी लूप जो होता है वो रिपीटेड काम करने के लिए होता है, नो डाउट। हमें कभी भी एक लूप की बात होती है तो हमें सिंपल सी बात है, लूप का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन। इससे इसके एक और चीज से हम अच्छे से समझते हैं कि हमारा जो लूप होता है, पहली बात तो इस लूप में काफी चीजें इंटरेस्टिंग होती है। ये लूप एक्चुअली कहता क्या है समझते हैं इसको पहले, आगे वाइल में डू वाइल लूप में सब में डाइव करेंगे। ये लूप क्या कह रहा है, ये लूप कहता है लेट्स गेट स्टार्टेड, आप स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करने के बाद आप ये काम रिपीटेड करना। ये क्या कहता है, आप काम करते रहो, आप काम करते रहो, सर्कुलर मोशन, आप काम करते रहो। ठीक है, आप प्रोग्रेस करते रहो, प्रोग्रेस का मतलब है आप जहां पे भी थे, जैसे हम ग्राउंड के राउंड लगा रहे थे तो आपने एक राउंड लगाया तो काउंट बढ़ाओगे ना, याद रहे कि कितने मैंने क्या कितने राउंड के चक्कर लगाए, तो मैंने फर्स्ट राउंड लगाया तो मैंने काउंट अब कहा वन राउंड, दूसरे बार चक्कर लगाया तो मैंने कहा टू राउंड, तीसरी बार क्या कहते हैं चक्कर लगाया तो मैंने बोला थर्ड राउंड, राइट। तो ऐसे उसको प्रोग्रेस करना है, काउंट करना है, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो भी हम यहां से देखेंगे। और फिर फाइनली क्या कहता है, कभी तो किसी कंडीशन पे जाके रुक जाओगे ना, आपको कोई कंडीशन होगी तो आपको स्टॉप भी होना होगा, तो ये बेसिकली आपको कहता है स्टॉप होने के लिए, ये आपको सजेस्ट करता है कि भैया प्रोग्रेस करते रहो, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो कहीं तो एंड होना ही आपका। ये कहता है लेट्स गेट स्टार्टेड, और ये कहता है कि भैया लूप में काम करते रहो, सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर। अब इसमें कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, अगर आप प्रोग्रेस करना भूल गए, अगर आप स्टॉप करना भूल गए, किसी भी केस में अगर आप प्रोग्रेस या स्टॉप करना भूल जाओ तो ये जो आपके सर्कुलर मोशन है ये नॉर्मल सिंगल सिंगल मोशन से इनफिनाइट मोशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसको हम बोलते हैं इनफिनाइट लूप। तो वो लूप्स के केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, अगर आप नोटिस करना एक लूप में खुद ही एक चीज कहता है, वो बोलता है उप्स, अगर आपने सही से प्रोग्रेस और स्टॉप कंडीशन नहीं ढंग से देखी तो एंड में आपके पास ऊप्स ही बचेगा। क्यों? क्योंकि ये एक आप इनफिनाइट लूप में चले जाओगे और जिसका कोई एंड नहीं है, और जिसका कोई एंड नहीं है तो उसका भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब व्हाइल लूप को समझेंगे। तो व्हाइल लूप के केस में भी हमें किन चीजों को ध्यान रखना है, पहला कि हमें एक तो स्टार्ट हो जाओ, दूसरा आप अपना काम जो है वो रिपीटेड मोड में कराओ, तीसरा हमें प्रोग्रेस करना है, हमें जो भी चीज है उसको बढ़ना है, और चौथी चीज हमें रुकना है, स्टॉप कंडीशन होनी चाहिए। अगर स्टॉप कंडीशन नहीं होगी तो फिर वो इनफिनाइट लूप में चला जाएगा, वो उप्स वाले मूवमेंट में चला जाएगा। तो ठीक है, आप अब से याद रखेंगे लूप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उप्स ना हो, उप्स ना होने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक प्रोग्रेस और स्टॉप। तो चलिए दोनों चीजें हम यहां पर देखेंगे और लूप को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने अगर व्हाइल लूप की बात करते हैं तो व्हाइल लूप के केस में सिंपल सी बहुत बढ़िया चीज जो लिखी होती है वो ये है आपका सिंटेक्स, जिसमें आप व्हाइल लिखते हो, व्हाइल लिखने के बाद आप करली सिंपल ब्रेसेस लेते हो और आपके करली ब्रेसेस होते हैं। यहां पे आप कुछ स्टेटमेंट लिखते हो, ये स्टेटमेंट आपके बार 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 एग्जीक्यूट करेंगे, कब तक एग्जीक्यूट करेंगे, जब तक आपकी ये कंडीशन मीट ना हो जाए। ठीक है, तो हमको एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें हम ये कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे। पहले उससे पहले एक बार डू व्हाइल पहले देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ठीक है, और उसके बाद हम पहले और भी चीजें देखेंगे और फिर हम इसके कुछ कोड सैंपल्स करते हैं। तो पहली चीज देखते हैं व्हाइल लूप के केस में क्या हो रहा है, हमने देखा कि पैरेंथेसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी कंडीशन है वो इवैल्यूएट होगी, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये काम बार 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 करेगा, और जो भी आपके स्टेटमेंट है वो प्रोसेस करेंगे, और एक बार अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वहीं पे आपका जो लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट मतलब वहीं से खत्म हो जाएगा, बाय बाय, अब मैं दोबारा काम नहीं करूंगा, मेरे को अपने 5 राउंड लगाने के लिए गए थे, मेरे 5 राउंड हो गए, मैं चलता हूं, बाय बाय टाटा। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं, पहली चीज लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, आपको लेट्स गेट स्टार्टेड के बाद आपने सबसे पहले यहां कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप अपना जो स्टेटमेंट है उसको काम करोगे, और अगर काम करने के बाद आप वापस से वो चीज रिपीट में जाओगे, जब रिपीट में जाओगे तो आप चेक करोगे
कि क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वापस से आप इसे काम करने के लिए कहोगे, वापस से जब काम हो जाएगा फिर आप रिपीट मोड में जाओगे। आप ये काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कब तक करोगे? ऐसी कंडीशन जब तक नहीं आएगी जिसमें ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे ही ये फॉल्स रिटर्न करेगा कंडीशन, तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ग्राउंड वाला एग्जांपल था उसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट राउंड के लिए कंडीशन ट्रू है, जब ये सेकंड राउंड पे आएगा फिर ये जाएगा थर्ड राउंड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा, फिफ्थ पे जाएगा, और जब ये वापस आएगा और कहेगा अब मैं सिक्स राउंड लगाने के लिए जा रहा हूं, तो ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, आपको सिर्फ फाइव राउंड लगाने थे, आपका काम हो गया है, अब आपको और राउंड लगाने की जरूरत नहीं है, आप अब घर जा सकते हैं। तो आपका ये एंड कंडीशन हो जाएगी। तो ठीक है, इसी के साथ और चीजें समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं जिसमें हमें कुछ प्रिंट करना है। अब प्रिंट क्या करना है, हम प्रिंट करना चाहते हैं 1 से 10 तक का आइटम प्रिंट करेंगे, और उस केस में हम देखते हैं कि बेसिकली क्या होने वाला है। तो चलिए हम क्या करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ कोड करिए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने एक व्हाइल लूप लिखा। व्हाइल लूप में हम क्या चाहते हैं, हमें क्या प्रिंट कराना था, हमें प्रिंट कराना था 1 से 10 तक की कुछ चीज प्रिंट करानी है। तो हम कुछ समझते हैं कि हमें कुछ तो प्रिंट कराना है। तो अब उसके लिए पहले समझते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, कि कब हमें एंड करना है। तो हमारी कंडीशन है एंड नंबर जो है वो हमारा 10 है, और हमारा स्टार्ट का नंबर क्या है, हम 1 से 10 प्रिंट कराना चाहते हैं, तो स्टार्ट का नंबर हमारा 1 है, एंड का नंबर हमारा 10 है, स्टार्ट का नंबर हमारा 1 है। तो अब ये जो नंबर है, इसको स्टार्ट के नंबर की जगह इसको मैं नंबर बोल देता हूं, नम, क्योंकि ये जो नम है ये 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, ऐसी इंक्रीज करेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर जब तक मेरा ये जो नंबर है, अगर ये आपका 10 या 10 से क्या कहते हैं जब तक छोटा है, विच इज एंड नंबर, जब तक उसके बराबर या उससे छोटा रह रहा है, तब तक आप ये काम कराते रहो, तब तक आप ये जो लूप है आपका, इसको एग्जीक्यूट कराते रहो, वापस से जाओ फिर से चेक करो ये सही है तो फिर से जाओ, ये काम कराते रहो। कब तक कराना है, जब तक ये 10 से छोटा है। तो इस केस में हम क्या कहना चाहते हैं कि देखो भैया, हम नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं जो कि हमारा 1, 2, 3, 4 होगा। अब फिर से वापस याद करते हैं कि हमने एक चीज इंपॉर्टेंट जो सीखी थी, इस लूप में 2 चीजें होना जरूरी है। हमने अभी स्टॉप कंडीशन तो डिफाइन की है जो कि ये है, हमारी प्रोग्रेस कंडीशन का है, मतलब ये नंबर बढ़ेगा कैसे, अगर नंबर बढ़ेगा नहीं तो एक लाइफ में कभी भी ये जो 1 है कभी ये 10 से बढ़ा ही नहीं हो पाएगा। नंबर को बढ़ना पड़ेगा ना, ताकि वो 10 के बराबर या 10 से बड़ा हो पाए कभी भी। तो उसको बढ़ाएगा कौन, उसको बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो प्रोग्रेस है, इसको प्रोग्रेस कराना है, इसको प्रोग्रेस कराने के लिए हम यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो हमारा नंबर है, जब भी हमारा एक काम हो जाता है तो उसके बाद हम उसका एक काउंट बढ़ा देते हैं। तो एक बार राउंड लगा तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी, फर्स्ट इटरेशन में इसकी वैल्यू 10 थी, इसको कहा गया काम करो, इसने काम कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया 1। अब इसकी वैल्यू क्या हुई, अब यहां पे 2 हो गई, अब ये 2 वैल्यू वापस गई और इसने चेक किया क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है भाई, तो ये 2 प्रिंट करेगा। अब वापस आए तो अब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 2+1, वापस से जाएगा, अब ये वैल्यू 3 हो गई। अब ये 3 से कंपेयर करेगा 10 को, क्या ये छोटा है, यस। ये कब तक करेगा, जब तक इसकी वैल्यू 10 के केस में क्या होगा, 10 के केस में 10 लेस देन इक्वल टू 10 व्हिच इज करेक्ट, अभी काम करेगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइनली 11 हो जाएगी, जब 11 हो जाएगी यहाँ पे 11 जाएगी, 11 में कंडीशन चेक करेगा क्या 11 10 से छोटा या उसके बराबर है, नहीं, ना वो छोटा है और ना बराबर है, उससे बड़ा हो गया, तो इसकी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये कहेगा ओ ओ ओ, अब तो मेरी स्टॉप कंडीशन आ गई, अब तो मैं चलता हूं अपने घर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लूप वर्क करता है, और उसको समझना, इसको विजुलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसके साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप मेरे साथ हेल्प कीजिएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, उल्टा करना है, हमें इसमें चीजें प्रिंट करनी है 10 से 1 तक प्रिंट करनी है। अब इसमें देखो प्रोग्रेस, इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि हमारा, इसको वापस से समझते हैं। अच्छा पहले इसको प्रिंट भी करा ले, भरोसा है पर कोई नहीं, चलिए प्रिंट कराएंगे। तो हमने कराया लूप्स, और हमने जब प्रिंट कराया 1 to 10 आ गया था। अब दूसरी कंडीशन जहां पे हमें उल्टा प्रिंट कराना है रिवर्स फैशन में, तो चलिए नंबर तो हमारे पास console.log, हमें एक नंबर जो है वो प्रिंट कराना है। इस केस में डिफरेंस समझेंगे, इस केस में डिफरेंस क्या है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। इस केस में एंड कंडीशन क्या है, क्योंकि हमें 10 से स्टार्ट करना और 1 पे खत्म होना है, तो एंड हमारा 1 है, और स्टार्ट कहां पे कर रहे हैं, 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टार्टिंग नंबर है वो 10 है यहां पे। अब इस केस में एक चीज समझते हैं, हमारी कंडीशन क्या होने वाली है, कंडीशन हमारी ये है
कि जब हमारा नंबर जो 10 है आज के टाइम में, जब ये नंबर ग्रेटर देन, जब ये नंबर लेस देन इक्वल टू आपका एंड नंबर हो जाए, मतलब अभी 10 है और एंड नंबर आपका 1 है, ठीक है, तो आपका इस 10 लेस देन इक्वल टू 1, अच्छा नहीं ये कंडीशन तो वर्क नहीं करेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू रखते हैं। तो बेसिकली हम कह रहे हैं नंबर जो है हमारा अभी के टाइम में 10 है, क्या 10 1 से बड़ा या उसके बराबर है? यस yes, तो ये काम करेगा। अब वापस से समझते हैं, हमने स्टॉप कंडीशन तो बता दी इसकी जो कि ये है, भाई इसकी एंड कंडीशन, इसका प्रोग्रेस कौन कराएगा? तो इस केस में प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि इसे डिक्रीज होना है, तो हमारा जो नंबर है, जो भी नंबर है, पहले 10 था, फिर 9 होना है, फिर 8 होना है, फिर ऐसे ही कम होते जाना है। तो कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक सिंपल सी चीज करनी पड़ती है, नंबर जो भी है हर बार जब एक लूप में आएगा तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे कहते हैं ना कि काउंट डाउन करो, अगर वही ग्राउंड वाले एग्जांपल में अगर हम कहते हैं 1 से 10 नहीं करना है आपको, ग्राउंड के चलो 1 to 5 राउंड नहीं करना है आपको, क्या करना है उल्टे डायरेक्शन में काउंट करो, पहले आप 5 करोगे, फिर एक राउंड हो जाएगा तो आप ऐसे याद रखोगे आप 4 ही बचे हैं, फिर राउंड हो जाएगा कहोगे अरे 3 ही बचे हैं, फिर राउंड हो जाएगा 2 बचे हैं, फिर राउंड हो जाएगा 1 बचे हैं, और फाइनली कहोगे अरे 0, अब तो मेरा काम हो गया, अब मैं नहीं करूंगा बस, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे भी हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है फिर से एक बार देख लेते हैं हो क्या रहा है। यहां पे पहली बार जब ये रन करेगा तो इसकी वैल्यू होगी 10, एंड तो चेंज नहीं होगा, एंड तो हमेशा कांस्टेंट यहां पे रहने वाला है विच इज 1। तो अब इसके बाद प्रिंट कर दिया इसने, क्या प्रिंट किया, नंबर विच इज 10। अब इसने क्या कहा कि 10 की वैल्यू एक नंबर से डिक्रीज कर देते हैं, अब ये 9 हो गई, अब ये 9 वैल्यू यहां पे गई, अब ये 9 से कंपेयर करेगा, क्या 9 बड़ा है 1 से? यस। सिमिलरली ये काम करेगा, फिर ये 8 हो जाएगा, 8 होने के बाद यहां पे 8 जाएगा, 8 में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फाइनली क्या होगा ये 0 हो जाएगा, जब 0 होगा जब यहां पे जाएगा तो ये वापस से कंडीशन चेक करेगा, क्या 0 1 से बराबर या इसके उसके उससे बड़ा है? नहीं। तो जब भी 1 की कंडीशन आएगी तो यहां पे 10 9 8 7 करके बहुत सारी चीजें प्रिंट हो रही है, 1 प्रिंट होगा, पर जब ये 0 की कंडीशन आएगी तो क्या होगा, अच्छा तो हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, हम घर जा रहे हैं, मेरी कंडीशन मीट हो गई है, मैंने जितने राउंड लगाने थे लगा लिए हैं, और सी यू, बाय बाय, टाटा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लूप हो गया है। तो इस तरीके से आप कभी भी जो प्रोग्रेस है वो कभी भी इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बढ़ना है, प्रोग्रेस का मतलब है हमेशा बदलना है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रोग्रेस का मतलब हमेशा बदलना है, तो वो हम याद रखेंगे। तो चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं इसी बात पे। तो हमने 10 9 8 7 6 टाटा टाटा टाटा, और यहाँ पे हमारे पास चीजें प्रिंट हो गई। अब सिमिलरली वाइल लूप पे हम कुछ भी काम कर सकते हैं, अगर मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना होता तो क्या मैं कर सकता हूँ, लेट्स क्विकली सी अगर मैं 2 का टेबल प्रिंट कर पाता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा जो नंबर है कुछ ऐसा है कि मेरा एंड जो है वो 10 है और मेरा जो स्टार्ट है वो 1 नंबर है, तो इस केस में मैं क्या कहने वाला हूँ, सिंपल जो ऊपर किया था कि जब तक मेरा नंबर लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक मैं कंसोल डॉट लॉग में एक छोटा सा काम करने वाला हूँ, इसको हम स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, वैसे हम आगे भी करेंगे। इसको हम क्या करने वाले हैं, 2 इंटू डायनेमिक वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे जो चीज चेंज होती है 2 के टेबल में, विच इज जो आपका नंबर है, और फाइनली हमें क्या करना होता है 2 1 या 2 2 2 या 4, तो बेसिकली हमें जो भी 2 है इंटू जो भी नंबर आ रहा है 1 2 3, उस नंबर से हमें इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब जो चीज हमें याद रखनी है वो ये कि हमारा नंबर इंक्रीज करना चाहिए, अगर नंबर इंक्रीज नहीं किया तो क्या होगा, ऊप्स मूवमेंट, इन्फिनाइट लूप में चले जाएंगे। तो चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो पहले इसको क्लियर करते हैं और हम यहाँ पे टेबल देखेंगे 2 1 2 2 2 4, और फाइनली हमारे पास 2 का टेबल रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हमने 2 एग्जांपल देखे, अब डू व्हाइल लूप देखते हैं कि क्या होता है। व्हाइल लूप देखा जिसमें हमने जो काम करना था कर लिया, डू व्हाइल लूप में हमने एक डिफरेंस देखा था इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि हम कहते हैं कि डू में पहली बार एक बार तो भैया आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी कंडीशन मीट होगी उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप फर्दर काम करोगे या नहीं करोगे। पर एक बार जैसे कि हम किसी से अगर किसी से सब्सक्रिप्शन लेना होता है, किसी से काम कराना होता है, तो कई बार हम ट्रायल लेते हैं ना कि भैया एक बार काम तो करके दिखाओ, अगर काम अच्छा लगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू कराएंगे, नहीं लगा तो बाय बाय। तो जितने भी आपके ट्रायल वाली चीजें होती है ना लाइफ में वो सब डू व्हाइल पे चलती हैं, कि आप एक बार ट्राई करते हो, देखते हो कि चीजें कैसी हैं, फाइनली आप उसको इवैल्यूएट करते हो और वो कंडीशन अगर आपके जो भी पैरामीटर मीट करते हैं तो आप फाइनली उस काम को वापस से उस बंदे को आप लगा देते हो और वो आपके लिए जो भी सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करता है।
तो लाइफ में ये चीजें होती हैं, प्रोग्राम में भी ये चीजें होती हैं। तो प्रोग्राम में बेसिकली कैसे काम करता है, आपके पास एक एंट्री कंडीशन है, तो एंट्री कंडीशन पे क्या हो रहा है, ये एक एंट्री कंडीशन है, आपने एंट्री कंडीशन पे एक काम कराया, जो भी काम था उसे कराया, काम कराने के बाद आपने इसको इवैल्यूएट किया, चेक किया कि इसकी कंडीशन क्या है, अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो इसको वापस लगा दो, इससे काम कराते रहो, वापस से कंडीशन ट्रू है तो काम कराते रहो कराते रहो कराते रहो, जिस दिन कंडीशन फॉल्स हो जाए उस दिन बाय बाय। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम घर पे दूध लगवाना तो कहते हैं भैया आज दूध एक बार देके दिखाओ, घर पे एक बार इसकी खीर बनाएंगे और देखेंगे कि अगर अच्छा है, खोआ निकाल के देखेंगे, अगर अच्छा आपने दूध दिया तो कल से आपका दूध यही लगा लेंगे। तो उस केस में क्या होता है, आपने फर्स्ट डे ट्रायल के लिए लिया, फाइनली आपने खीर या खोआ निकाला और आपके लिए बहुत अच्छा सा दूध था, मम्मी इंप्रेस, अब मम्मी ने उस दूध वाले को वापस से लगा लिया, भैया आप ही डेली दूध देके जाओगे, डन। अब यहां पे क्या हुआ, एक दिन दूध वाले भैया ने कर दी मक्कारी और दूध वाले भैया ने मिला दिया दूध में पानी, और आपके पास जो आया फाइनली प्रोडक्ट, जो दूध आया, मम्मी को आई गुस्सा और मम्मी ने कहा भैया अब तो आप पैक करो और कल से मत आना क्योंकि मैं कहीं और ही देख लूंगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका एक डुअल लूप चल रहा है जिसमें पहली बार ट्रायल किया और जब तक मम्मी खुश थी, जब तक आप क्वालिटी अच्छी दे रहे थे, तब तक आपका रिपीटेड मोड में आपसे दूध दिया जाता, जिस दिन आपने मक्कारी की उस दिन बाय बाय, कोई और दूध वाला लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डू वाइल लूप चलता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, सिंपल सेम चीज, पहले एक बार बॉडी आपकी जो है वो एग्जीक्यूट करेगी, एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बाद एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो अगर तो आपका सेकेंड टाइम असेसमेंट होगा, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर किसी केस में ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आप बाय बाय बाहर लूप के चले जाओगे और नेक्स्ट टाइम आपका वो कंडीशन, आपका वो लूप काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपके लिए डू वाइल लूप या मशीन को हम एक काम को रिपीटेड मोड में करने के लिए कहते हैं, जिसमें कहते हैं एक बार तो ये काम करो और उसके बाद अगर कंडीशन जो भी होगी उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपको ये काम करते रहना है या फिर नहीं करना है, और अगर करते भी रहना है तो कब इसको काम को बंद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके साथ हम एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हमें एक एक प्रोग्राम है जिसमें हमें नंबर्स प्रिंट कराने हैं 1 to 7 इन अ लाइन, और जिसमें हमें डू वाइल लूप यूज करना है। तो चलिए आप ट्राई कीजिए और यहाँ पे एक पॉज कीजिए, जैसे ही आपने वाइल लूप लिखा था वैसे ही आप डू वाइल लूप लिखिए और एक बार ट्राई कीजिए कि क्या आपसे ये प्रोग्राम बन पा रहा है, अगर आपसे बन पा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम बनाएंगे साथ में। चलिए रिज्यूम करते हैं। तो हमने क्या किया, आपने पॉज करा, आपने बना के देखा क्या आपका आउटपुट आया, अगर आ गया है वेल एंड गुड, अगर नहीं आया है कोई बात नहीं, हम साथ में उसको क्रिएट करेंगे। तो हम क्या कहने वाले हैं कि हमारे पास देखो 1 to 7 हमें चीजें प्रिंट करानी है, तो एक चीज तो हमें पक्का है कि डू वाइल लूप में एक काम होता है कि भैया ये एक काम करो और ये तब तक करो जब तक आपकी ये जो कंडीशन है ये मीट हो जाए। तो इस केस में हमारी कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारी एंड नंबर क्या है। एंड नंबर हमारे पास है 7। जब भी आपको 7 जो प्रिंट कराना है तो आप 7 प्रिंट कराओ, आपका काम हो जाएगा बाय बाय। अब स्टार्टिंग नंबर क्या है, हमसे कहा गया था कि हमें कहां से प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है 1 to 7, पर अब मुझे पता है कि अगर मुझे 1 से प्रिंट कराना है तो यहां पे मैं दो काम कर सकता हूं। वो काम क्या कर सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं इसमें एक प्रोग्राम में फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हमें नंबर जो प्रिंट कराने थे 1 to 7 कराने थे इन अ लाइन यूजिंग अ डू वाइल लूप। ठीक है, क्योंकि हमें 1 2 3 4 5 6 7 ये जो भी नंबर है इस नंबर को हमें प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व मतलब फाइनली आउटपुट जो चाहिए उसको समझते हैं, फाइनली आउटपुट जो हमें चाहिए वो ऐसा चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक एक फाइनली एक नंबर ही बन जाएगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी जिसमें हमें फाइनली ये 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि हमें अलग अलग लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए, नहीं, हमें एक साथ वो 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए। तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समझते हैं, वो ये एक तो हमारी कंडीशन है कि जो भी हमारा नंबर है, चलो हम एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, वो नंबर हम 0 रखेंगे या 1 रखेंगे उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो हम मान के चलते हैं एक नंबर है जिसको मैं 1 कंसिडर करके चलता हूं। तो अब जब भी मेरा नंबर ये 7 से छोटा रहेगा तब तक मेरे को ये काम करना है, मेरा ये एंड नंबर बेसिकली ये है। तो क्योंकि काम करने आने के बाद मुझे पता लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, नंबर क्या है, अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, एक सिंपल सा काम करने वाला हूं, वो ये जो भी मेरा नंबर था, ठीक है, अब इस नंबर को मुझे क्या करना है, एक किसी चीज से इंक्रीज कर देना है, बट फाइनली मुझे जो भी नंबर है 1 2 3 4 कहीं तो स्टोर करने है ना,
क्योंकि मुझे फाइनली 1 2 1 2 3 4 5 6 7 एक ही आउटपुट में, एक ही स्ट्रिंग में वो रिटर्न देना है। हर बार कंसोल नहीं करा सकता, एक ही बार कंसोल कराना है। मतलब मेरे को यहां पे फाइनली कंसोल करा के कंसोल डॉट लॉग कहना है कि जो भी मेरा रिजल्ट है, इस रिजल्ट का जो आउटकम है वो कुछ ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6 7। बार बार नहीं कंसोल कराना है, सिर्फ एक बार कराना है। तो चलिए देखते हैं। अब हम एक रिजल्ट भी ले लेते हैं जिसमें हम अपना डेटा जो है स्टोर कराएंगे, क्योंकि हम एक तो हमें सम नहीं कराना है, हमें उनका उनको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रखना है। तो मैंने एक स्ट्रिंग लिया है। अब इस केस में क्या कह रहे हैं कि भैया जो भी मेरा रिजल्ट है, इस रिजल्ट में बेसिकली क्या करो, जो भी आपका ऑलरेडी का रिजल्ट है उसमें मेरा ये जो नंबर है उसको एक बार ऐड कर दो। तो नंबर पहली बार में क्या होगा 1, दूसरी बार में क्या होगा 2, तीसरी बार में 4 5 6 7, और जब ये 8 होगा, जब भी आपका नंबर 8 होगा, तो 1 तो ठीक था, आपका 1 इज लेस देन 7, यस, 2 इज लेस देन 7, यस, 3 इज लेस देन 7, यस। ये कब तक चलेगा? जब तक 8 नहीं आता या 7 नहीं आता। जब आपका ये 7 आ जाएगा तो 7 इज लेस देन 7, भैया नहीं, ये गड़बड़ है। अब आप जब ये 7 वैल्यू हो जाएगी तो आप रिपीट नहीं करोगे, तो आप इसमें रिपीट नहीं करने वाले। तो इसको समझते हैं अब होगा क्या इस केस में। तो हम इसको प्रिंट कराते हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 आया, 7 कहां गया? अब 7 तो चाहिए था ना हमें, 7 के केस में हमें प्रिंट कराना है। तो क्या इस कंडीशन में हम चेंजेस करके इसको इक्वल टू बना दे? अगर वो नंबर 7 भी है तो एक बार और लूप चलाओ, और 8 जब हो जाए तो वापस से लूप नहीं चलाना, क्योंकि हमें 1 टू 7 ही प्रिंट कराना था। तो एक बार डबल चेक करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास डू वाइल लूप से भी हम वो चीज करा सकते हैं जो हम वाइल लूप से बेसिकली करा देते हैं। इसमें सिर्फ क्या केस है, इस केस में एटलीस्ट एक बार तो ये प्रिंट होगा। तो अगर मैं क्या कहूं, अगर मेरी कंडीशन यहां 10 होती, मेरा स्टार्टिंग नंबर ही 10 होता, ठीक है, या मेरा स्टार्टिंग नंबर मान लो 9 होता, तो इसका आउटपुट क्या होता, आपको क्या लगता है? इसका आउटपुट एटलीस्ट 9 तो मुझे दे ही देता। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग वहां से कर रहे हैं और एक बार तो ये काम करता ही है, तो आपके पास 9 तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट बार जब जाएगा इसकी वैल्यू लेके, तब इसे कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, अरे 10 हो गया, अब तो अलाउड नहीं है, अब दोबारा आप लूप में नहीं जा सकते, ठीक है। तो दैट्स गुड। अब हम फॉर लूप समझेंगे। चलिए और टाइप के लूप की बात करते हैं। अभी हमने व्हाइल लूप देखा, हमने डू व्हाइल लूप देखा, एक लूप तो हमारा बचा है फॉर लूप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम फॉर लूप को देखेंगे। अब फॉर लूप पे समझेंगे कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी हो सकता है, ऐसे भी चीजें होती हैं, और उसमें हम और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कभी लूप चल रहा है उसमें हमें कहीं ब्रेक लगाना है, कहीं लूप चल रहा है उसके अंदर हमें कोई चीज स्किप करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो वो सारी चीजें हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, और सब चीज के लिए हम प्रोग्राम करेंगे, कोड करेंगे। लास्ट तक मेरे साथ कोड करते रहेगा और ये कॉन्सेप्ट समझते रहेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको लूप के फंडामेंटल समझ में आ गए, तो जैसे हमने कहा लाइफ इज द लूप, ऐसे ही प्रोग्राम में मोस्टली जो हम काम करते हैं वो लूप में करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले कोड में डाइव करने से पहले, पहले फॉर लूप के सिंटेक्स को समझने से पहले समझते हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस या रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनमें हम कहीं पे लूप देख सकते हैं क्या। तो चलिए हम लूप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम PW स्किल की वेबसाइट पे। अब देखते हैं, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो अचीवर्स हैं, यहाँ पे जो ब्रांड्स के नाम लिस्टेड है, ये क्या है, एक लूप में हमारे पास कुछ लिस्ट है, वो बार 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 लूप में चल रही है। सिमिलरली अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हॉल ऑफ फ्रेम में क्या है, एक कुछ कंटेंट ये है, कुछ ये कंटेंट है, कुछ ये कंटेंट है, ये क्या है, ये एक लूप है, एक लूप में चल रहा है, ये कंटेंट क्या है, एक लूप में चल रहा है। हमने क्या किया, एक लिस्ट ऑफ फ्रेम्स बनाए, जिससे कहा कि ये सारे एक करके यहाँ पे वेबसाइट पे दिखा दो, हो गया हमारा काम। सिमिलरली अगर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या है, हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट थे, मल्टीपल ऑफरिंग थी, उसको एक करके यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया। और हमारे पास अगर और देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या है, ये एक लूप है, जिसमें लूप में आने के बाद जितने भी प्रोडक्ट है यहाँ पे सारे लिस्टेड है। सिमिलरली अगर हम ग्रोसरी साइट पे जाते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट क्या है, ये सारे प्रोडक्ट एक लूप में लिस्ट कर रखे हैं, कि आपका एक लूप में एक आइटम थे, सेट ऑफ आइटम, उससे कहा कि ये सारे के सारे जाके प्रिंट हो जाओ, तो ये सारे के सारे जाके प्रिंट हो गए। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर इसे प्रिंट करना था, तो बेसिकली आपके पास हमने एरे देखा है, एरे में क्या होगा, कोई हमारे पास प्रोडक्ट 1 है, ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट 2 होगा, ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट 3 है, जो भी इस प्रोडक्ट का नाम है, कोई एलमंड है, कोई मखाना है,
जो भी प्रोडक्ट है। अब इन प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट को एक लूप में, इस लूप में जाने के बाद इसको सारी चीजें दिखा दो, तो एक दो तीन प्रोडक्ट दिखा देंगे, ऐसी जितने भी प्रोडक्ट होंगे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो इस लिंक्डइन प्रोफाइल पे हम लूप ढूंढते हैं, इस लिंक्डइन प्रोफाइल पे, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे लूप ढूंढे कहीं, हाँ चलिए जैसे एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, तो एक्सपीरियंसेस में मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस हो गया फ्लिपकार्ट का, मोएंगेज का, ये जितने एक्सपीरियंस है क्या है, एक कंपनी की लिस्ट है एक तरीके से, माइक्रोसॉफ्ट, आपका फ्लिपकार्ट, उसके उसके पहले अगर बात करें मोएंगेज, ऐसे ही और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये क्या है, एक कंपनी की लिस्ट है, मेरे एक्सपीरियंसेस की एक लिस्ट है, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए क्या किया, लिंक्डइन ने क्या किया होगा, जो जिस जो भी डेवलपर इसमें एप्लीकेशन के लिए, उसने एक लूप लगाया होगा और कहा होगा जितने भी ये कंपनीज हैं उन सबको एक 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 करके लिस्ट कर दो। हाँ, उसके साथ और भी इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे लिस्ट करते हैं वो हम देखेंगे, पर मोटा मोटा अगर हम समझते हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है जिसको एक 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 करके हमने लूप में सारी चीजें रेंडर कर दी है। यहाँ पे एक्सपीरियंस है, कहीं पे प्रोडक्ट है, कहीं पे ग्रोसरी है, कहीं पे कोर्सेज है, कुछ भी हो, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक आइटम है लिस्ट में और आपको एक लूप लगा के एक 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 करके आपको रेंडर कर देना है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन कहीं पे भी कुछ भी आप देखोगे, वेब पे, मोबाइल में, हर चीज आपको एक कहीं ना कहीं लूप में आपको उसका एग्जांपल मिल जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हो। तो चलिए वापस चलते हैं और समझते हैं कि अगर हमें यही सारी चीजें एक फॉर लूप में करनी हो तो हम बेसिकली फॉर लूप में क्या कर सकते हैं और होता क्या है फॉर लूप में। तो फॉर लूप में जाने से पहले उसके थोड़े से सिंटेक्स को समझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज फॉर लूप में समझेंगे वो ये है कि हमारे पास फॉर लूप में कुछ होता है जो होता है इनिशियल एक्सप्रेशन। ये अलग, बहुत डिफरेंट नहीं है व्हाइल लूप से। अभी हम देखेंगे कि ये जितनी भी चीजें हम बात कर रहे हैं वो सारी चीजें हम व्हाइल लूप में, डू व्हाइल लूप में कर चुके हैं, बस यहाँ पे प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, हम थोड़े डिफरेंट तरीके से यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इनिशियल एक्सप्रेशन है, एक हमारे पास कंडीशन है, और ये कंडीशन हमारी अपडेट होती है, प्रोग्रेस होती है बेसिकली। तो हमने जो बात की थी लूप्स की बात की थी, है ना, तो लूप्स के केस में वापस से आते हैं। तो क्या है यहाँ पे, लेट्स गेट स्टार्टेड, विच इज योर इनिशियल स्टेट। आपने एक इनिशियल स्टेट दी और कहा लेट्स गेट स्टार्टेड, फिर आपने क्या कहा कि स्टार्ट करने के बाद जो भी आपका कंटेंट है उसको भैया एक चला दो, रिपीटेड जॉब में काम करना स्टार्ट कर दो। उसके लिए फिर आपने क्या कहा, एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि ये भाई रिपीटेड में तो चलेगा पर इसके साथ कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए। तो प्रोग्रेस करने के लिए क्या है, हमारे पास ये अपडेट एक्सप्रेशन है। तो फाइनली यहां से आया, यहां गया, यहां से आने के बाद अपडेट एक्सप्रेशन हुआ, और फाइनली अपडेट एक्सप्रेशन के बाद कुछ ना कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए जो इसको टर्मिनेट करेगी, तो आपकी ये टर्मिनेट की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि आपका एक्सप्रेशन या अपडेट गड़बड़ हुआ तो कौन सी कंडीशन आती है लूप में, ऊप्स की कंडीशन आती है। ऊप्स का कंडीशन मतलब आपका सिस्टम कहेगा भैया डन, मेरे पास और मेमोरी नहीं है जिसमें मैं ये काम कर सकूं, क्योंकि आपने सारी मेमोरी मुझे एक रिपीटेड काम करने में कंज्यूम कर दी। सेम आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपको लाइफ में अगर कोई रिपीटेड काम करने के लिए कहा जाए जिसका कोई टर्मिनल ना हो तो आप भी एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप भी टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, तो इसके साथ चलिए हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इस केस में क्या हुआ, और इसको फिर एक नंबरिंग दे के समझेंगे कि किस ऑर्डर में क्या चीज एग्जीक्यूट करती है। तो पहली चीज हम समझते हैं यहाँ पे, पहला होता है स्टार्ट। आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, एक लूप स्टार्ट करोगे, उससे सबसे पहला क्या होता है, इनिशियल एक्सप्रेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड में क्या है, आपका इनिशियल एक्सप्रेशन। तो इसको अगर नंबर मैं देता हूं 1, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकंड चीज क्या है, वो एक कंडीशन मैच करेगा। ये कंडीशन फर्स्ट टाइम मैच करेगी, क्या जो मेरी इनिशियल एक्सप्रेशन है और जो मेरी यहाँ पे कंडीशन है वो कंडीशन अगर मेरी ट्रू है तो जो मेरे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो ये जो मेरी कंडीशन है ये कंडीशन हो गई मेरी सेकंड। अब मेरे पास जो स्टेटमेंट है मतलब जो भी मैं बॉडी के अंदर काम कर रहा हूँ ये, वो हो गया मेरे पास थर्ड, जो भी मेरे को सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं। फिर अब ये काम होने के बाद क्या करेगा, ये जाएगा और जो आपके एक्सप्रेशन है उसको अपडेट करेगा, मतलब यहां से ये जाएगा इसके पास अपडेट एक्सप्रेशन, विच इज फोर्थ। ठीक है, वापस से समझते हैं क्या हो रहा है। आपके पास पहली बात जो लेट्स गेट स्टार्टेड आया, इसने कंडीशन चेक की कि क्या मैं एक वैलिड कंडीशन पे हूं, क्या मैं आगे काम कर सकता हूं। इनिशियल वैल्यू सेट करने के बाद इसने कहा कि ठीक है आप आगे काम कर सकते हो, तो ये 2 से 3 पे गया, इसने जो काम था वो कर दिया। अब फाइनली क्या कर रहा है, काम होने के बाद हमें प्रोग्रेस करना पड़ता है, तो प्रोग्रेस के लिए हमने अपडेट एक्सप्रेशन के पास गए। जो भी हमारी कंडीशन थी, जो भी हमारे एक्सप्रेशन थे, वो अपडेट हुआ। अपडेट होने के बाद ये क्या होगा, अब वापस से जाएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा और देखेगा कि क्या ये कंडीशन मेट है, तो वापस से काम करा दो।
और फिर वापस से अपडेट करो, वापस से कंडीशन चेक करो, वापस से काम कराओ, वापस से एक्सप्रेशन अपडेट करो, ये आपका लूप चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें ये कहेगा कि नहीं आगे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपका हो गया बाय बाय एंड यू गो टू एंड, विच इज ये वाला एंड। तो आप जब बार 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 लूप में जा रहे हो तो एक ऐसी कंडीशन आपके पास आएगी जिसमें आप कहोगे द एंड, बाय बाय, खत्म यहीं पे, ठीक है। तो बेसिकली आप हमेशा नंबर याद रखना, और इस नंबर से एक चीज और आपको समझ में आएगी, वो ये कि आपका जो इनिशियल एक्सप्रेशन है वो सिर्फ एक बार सेट हो रहा है, एक बार जो इनिशियल वैल्यू है सेट हो गई, उसके बाद ये जो आपकी वैल्यू है वो हमेशा अपडेट एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ अपडेट होती रहती है, आपकी कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होने के बाद आपके जो काम है वो होगा, काम होने के बाद एक्सप्रेशन बढ़ा, फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने के बाद अगर वो वैलिड है तो वो कंटिन्यू रखेगा, नहीं तो बाय बाय एंड कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक फॉर लूप में चीजें चलती हैं। अब सेम चीज हम एक बार ऑब्जर्व करते हैं, हमने वाइल लूप में क्या किया था, एग्जैक्टली ऐसी चीजें की थी कि हमने एक लेट करके एक नंबर बनाया था, जो एक्सप्रेशन कह लो इनिशियल नम करके कुछ था जिसमें हमने वन दिया था, राइट। हमारे पास एक वाइल लूप था, वाइल लूप में हमने क्या कहा था, वाइल लूप में हमने एक कंडीशन दी थी यहां पे, और कंडीशन देने के बाद इसमें एक हमने अच्छा काम क्या किया था, यहां पे हमारे पास एक बॉडी थी, सेट ऑफ स्टेटमेंट होते थे, और यहां पे हम अपडेट कराते थे जो भी आपका नंबर है, अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस वन, तो आपका अपडेट एक्सप्रेशन, या हमने यहां पे प्रोग्रेस कराया था, इसे कुछ ऐसे ही किया था। तो इस केस में भी सेम ही चीजें हो रही हैं, ये आपका इनिशियल एक्सप्रेशन है जो कि वन है, फिर आपका क्या है, एक कंडीशन मैच होती है, ये टू है, थर्ड क्या है, ये बॉडी एग्जीक्यूट करती है, फोर्थ क्या है, आपके पास एक अपडेट एक्सप्रेशन होता है, और फाइनली क्या होता है, ये होने के बाद फिर वापस कंडीशन में जाता है, फिर बॉडी एग्जीक्यूट करती है, फिर ये अपडेट एक्सप्रेशन होता है, और ये लूप चलता है। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, आपके जो लिखने का तरीका है वो बदल गया है, पर नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशन 1 2 3 4 और लूप और एंड सेम ही हो रहा है यहां पे भी, सिर्फ देखने का और लिखने का नजरिया अलग है। तो चलिए इसके साथ हम समझते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या वापस से, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपका जो इनिशियलाइजेशन होता है वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, मतलब जो भी आपका इनिशियलाइजेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वो सिर्फ एक बार होता है। उसके बाद आपकी कंडीशन चेक हुई जो कि हमारा टू नंबर था, उसके बाद क्या हुआ था, हमारा अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहीं से लूप एंड कर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स नहीं है तो आपका जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा जो कि हमारा थ्री नंबर था। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद आपका एक्सप्रेशन अपडेट होगा, एक्सप्रेशन अपडेट होने के बाद चेक करेगा कि क्या कंडीशन अभी भी सही है, जो एक्सप्रेशन अपडेट है वो हमारा फोर था, अगर कंडीशन फिर सही है तो वापस से टू पे जाएगा, और ये हमारा काम होता रहेगा लूप में, वापस चलता रहेगा, कब तक, जब तक ये कंडीशन मीट नहीं हो जाती जो कि आपकी फॉल्स कंडीशन रिटर्न करेगा। तो इसमें हमेशा याद रखेंगे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज, जो कि आपका ये लूप है, इस लूप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कभी ऊप्स नहीं आना चाहिए, ऊप्स मतलब इनफिनाइट लूप, जो कि हम एक ऊप्स वाली कंडीशन लेके आते हैं, ठीक है। हम एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे जिसमें हम ये ऊप्स लेके आएंगे। चलो एक एग्जांपल है जिसमें हमें हमें लूप में पीडब्ल्यू स्किल्स को 3 times प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लूप में पीडब्ल्यू स्किल को 3 times प्रिंट करते हैं, जाते हैं कोड में, हमें क्या करना है, एक फॉर लूप है, फॉर लूप में हमें हमने कुछ चीजें देखी थी, यहाँ पे 1 2 3 4 अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे नंबर 1 होता है, कोलन होता है, यहाँ पे नंबर 2 होता है, कोलन होता है, नंबर 3 हमारा यहाँ पे आता है, और फाइनली नंबर 4 हमारे पास यहाँ आता है। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, हम इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, हमें 3 times प्रिंट करना है, मतलब हमारा जो काउंट है वो इनिशियली 1 है, सबसे पहला हमारा जो काउंट है वो इनिशियली 1 है। कितनी बार हमें प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है 3 times, तो हम चेक करेंगे जब तक हमारा काउंट लेस देन इक्वल टू 3 है तब तक तो काम कराओ, अगर उसके बाद काम नहीं कराना है। तो अब उसके साथ साथ हमें एक तरीका देना है कि हम किस तरीके से इस काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, तो काउंट प्लस प्लस भी दे सकते हैं, या फिर मैं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी दे सकता हूं। अब यहां पे हमारा जो जो ऑपरेशन है, जो स्टेटमेंट है, जो एग्जीक्यूट कराना है, वो हम लिखेंगे, जो कि आपका क्या था, पीडब्ल्यू स्किल्स। तो फिर से देखते हैं, यहां पे पहले क्या हो रहा है, आपका इनिशियलाइजेशन जो काउंट 1 है, सेकेंड क्या होगा, आपकी कंडीशन चेक की जाएगी, क्या ये कंडीशन सही है या नहीं है, अगर कंडीशन सही है तो आपका पीडब्ल्यू स्किल्स प्रिंट होगा, और प्रिंट होने के बाद इसकी कंडीशन चेंज होगी जो कि एक इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, फिर से वापस जाके इसकी कंडीशन चेक होगी, क्या ये कंडीशन सही है, हाँ अगर सही है तो वापस से काम कराओ, अगर सही नहीं है तो बाय बाय बाहर हो जाओ। तो चलो
हम इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमने कहा नोड लूप पीडब्ल्यू स्किल पीडब्ल्यू स्किल पीडब्ल्यू स्किल आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, तो सेम यहां पे अगर मैं अपना नाम भी लिख दूं तो भी चलेगा, नहीं चलेगा तो पीडब्ल्यू स्किल आपका तीन बार ये प्रिंट हो गया। तो अब इस केस में एक काम करते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस हम ये लेके आएंगे कि अगर ये जो लूप जो चल रहा है अगर इसमें हमने कुछ गड़बड़ कर दिया होता, क्या गड़बड़ की होती, एग्जाम्पल ये जो लूप चल रहा है इसमें हमने कंडीशन जो थी ये देना भूल जाते, हमने इंक्रीज करना ही भूल गए, हमने कहा कि ठीक है इनिशियल वैल्यू दी, हमने कहा कि ये टर्मिनेट कब करेगा जब काउंट आपका 3 से जब तक छोटा है, ठीक है या उसके बराबर है, और हमने इसको बढ़ाने के लिए प्रोग्रेस करने के लिए कुछ दिया ही नहीं, तो क्या होगा आपका काउंट प्रोग्रेस ही नहीं किया, काउंट हमेशा वन ही रह गया, और जब जब आएगा वो चेक करेगा कि क्या 1 3 से छोटा या बराबर है, हर बार कहेगा इसको हाँ 1 तो 3 से छोटा और बराबर ही है, तो क्या होगा आपका उप्स मूवमेंट। चले ट्राई कर लेते हैं एक उप्स मूवमेंट भी, हमने एक आप इसको ट्राई मत कीजिएगा, आप ट्राई करने से पहले हमेशा याद रखिएगा आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑफ आपकी मेमोरी कितनी है। तो मैं एक लूप्स चलाने वाला हूँ, याद रखिएगा इसको टर्मिनेट करने के लिए कंट्रोल सी या कंट्रोल जेड या कमांड सी कंट्रोल कमांड जेड रेडी रखिएगा, और जैसे ये उप्स मूवमेंट में जाए हमें उसको प्रिंट कराना है। तो आप देखेंगे ये कितने सारे यहाँ पे पीडब्ल्यू स्किल पीडब्ल्यू स्किल पीडब्ल्यू स्किल चला गया था, तो मैंने कंट्रोल सी के साथ इसको रोका है, वरना आप देख रहे हो कि ये स्क्रॉल मेरा कहाँ चला गया था, एकदम खतरनाक तरीके से इसने प्रिंट करना चालू कर दिया था, और ये तब तक करता रहता जब तक मेरे सिस्टम मेमोरी क्रैश ना हो जाती या फुल ना हो जाती। तो आप इसे ट्राई नहीं कीजिएगा, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था कि उप्स मोमेंट आ सकते हैं अगर आपने धोखे से अपना प्रोग्रेस करना भूल गए या फिर आप अपना कंडीशन सही लगाना भूल गए। इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, काउंट ऐसे ना करा के मैं प्लस प्लस भी कर सकता हूं, दोनों सेम चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारा 3 टाइम पीडब्ल्यू स्किल प्रिंट हो गया। चलिए आपने पहला प्रोग्राम मेरे साथ बनाया, आप दूसरा प्रोग्राम खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, जिसके केस में आपको क्या करना है, आपको सीक्वेंस इवन नंबर बेसिकली प्रिंट करने हैं। कहां तक प्रिंट करने हैं, 20 तक आपको इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो चलिए इसके लिए आप क्या करेंगे, एक पॉज लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपने क्या बनाया, हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज इसको रोकेंगे। अब छोटी सी चीज समझते हैं, हमें क्या करना है, कहां से कहां जाना है, हमें पहली बात तो जो इनिशियल नंबर है वो हमें इवन नंबर ही प्रिंट करने हैं, कहां से 20 तक। तो इवन नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 से होते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि नंबर स्टार्टिंग 2, और कहां तक मैक्सिमम जाना है, मैक्सिमम हमें जाना है जब तक ये 20 नहीं हो जाता। अब इसमें कुछ कंडीशन है कि ये प्रोग्रेस कैसे करेगा, इंक्रीज कैसे करेगा, उससे पहले हम चलो प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर क्या होगा। तो हमने कहा कि नंबर भैया हमें प्रिंट कराना है, इंपॉर्टेंट क्या मुझे एक एक नंबर इंक्रीज कराना है, क्यों, इवन नंबर कैसे मिलेगा, 2 4 6 8, मतलब एक एक छोड़ के कराना है, मतलब अगर मैं 2 के साथ 1 प्लस नहीं करूं, 3 नहीं बनाऊं, 2 के साथ 2 प्लस करूं, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं 2 के साथ 1 प्लस करता हूं तो ये तो 3 हो जाएगा, तो गड़बड़ है। तो मुझे 2 के साथ बेसिकली अगर मैं 2 प्रिंट करूं तो मेरा काम हो जाएगा, तो यहां 4 आएगा। सिमिलरली 4 के साथ अगर मैं 2 प्लस कराऊंगा तो 6 आएगा, और ये मेरे को इवन नंबर देता चला जाएगा। मतलब अगर मैं यहां कंडीशन में लिखूं मेरा जो नंबर है वो 2 से एक्चुअली इंक्रीज करेगा रेदर देन 1 से इंक्रीज करें, तो हमारा काम हो जाएगा और हमें यहां पे इवन नंबर ही मिलने वाले हैं। चलिए प्रिंट करके देखते हैं, 2 4 6 8 10 12, और हमारे पास यहां पे सारे इवन नंबर्स आ गए। वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो चलिए इसके साथ हम अब और इसको कॉम्प्लेक्सिटी पे लेके जाते हैं, इसको हम समझते हैं एक नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप का क्या मतलब हो गया, थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो कंसिडर करते हैं कि अगर आपसे कहा गया है कि जाओ और आप रास्ते में जितने भी जगह पे लोगों को जरूरत है उन सबका काम वापस करके आप आना, तो आप गए, आपने पहला घर देखा, यहाँ पे लोगों को रिक्वायरमेंट थी, हेल्प की जरूरत थी, तो आप आगे बढ़े, आपको पहला घर मिला, पहला घर मिला, आपके पहले घर में क्या हुआ, इसमें लोगों को जरूरत थी, तो आप इसके अंदर घुसे, और आप जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं हो गया, आपने इसका सारा मदद की, इसको सारा हेल्प किया, और उसके बाद वापस आ गए। फिर आपने क्या कहा, आगे बढ़े, दूसरे घर में गए, दूसरे घर में देखा कि आपको अभी भी यहाँ पे लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट आपकी हेल्प की, आप गए और आपने लोगों को हेल्प किया, और जो भी इसके अंदर जितना भी टाइम लगा, जितने भी लूप में आपने इसका काम था वो किया, आगे बढ़े। फिर आप तीसरे घर पे गए,
और फाइनली आपको फिर घर में गए और एक लूप में फिर से आपने कोई रिपीटेड काम किया। सिमिलरली आप ये काम तब तक करोगे जब तक आपके पास एक एंड कंडीशन नहीं आ जाएगी। जो आपकी भी एक एंड कंडीशन टर्मिनल कंडीशन होगी तब तक आप घर घर जाओगे और लोगों की हेल्प करोगे, ये आपने डिसाइड किया था। ठीक है, तो अब इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में ऐसे समझते हैं हमारा जो एक लूप था जिसको हम बहुत अच्छे से कभी भी हम लिखा है पहले, हमने एग्जाम्पल यूज किए हैं, उस केस में बॉडी के अंदर भी हमारा एक इनर लूप लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये स्पेशल कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या कह रहा है कि हम एक लूप में एक एक करके बाहर काम करते थे, अब अंदर भी एक लूप है। तो मतलब अगर मैं यहां से कोई एक काम स्टार्ट करूंगा पहले घर में, तो अगर मैं पहले घर में गया और पहले घर में भी एक लूप लगा हुआ है जिसमें रिपीटेड काम होना है, तो मैं क्या करूंगा, ये पहले यहां से स्टार्ट किया और यहां पे रिपीटेड काम होना है, तो जब तक ये काम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसका मतलब जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक मैं वापस अपने बाहर वाले आउटर लूप में नहीं जाऊंगा, ताकि मेरी वैल्यू 2 तब तक नहीं होगी जब तक ये इनर वाला लूप नहीं होगा। सेकंड होगा तो ये वापस से जाएगा, जब तक ये काम लूप अंदर वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक पहले ये कंप्लीट करेगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर वापस जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, आपका बाहर वाला जो लूप है वो तो स्लो स्लो मूव करता है, टिक टिक टिक, और अंदर वाला जो है वो जैसे ही आता है पहले कंप्लीट होता है। आपका एक बार बाहर वाला लूप चलेगा और अंदर वाला पूरा जब तक वो एन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपका दूसरा बाहर वाला लूप स्टार्ट नहीं होगा। तो ये चीज हमें इंपॉर्टेंट नोट करनी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से कॉन्जिक्यूटिव लूप वगैरह है और सारी चीजें। अब इसको हम थोड़ा सा और एग्जांपल्स वगैरह में देखने की कोशिश करेंगे, डायग्राम चार डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक आउटर लूप है, अगर ये आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तो ये एक इनर लूप में जाएगा, इनर लूप में जाने के बाद जो उसका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपका ये वापस से इनर लूप तब तक काम करता रहेगा जब तक इनर लूप की कंडीशन मीट होगी, जैसे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई तो ये जो आपका बाहर वाले लूप का स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से बाहर वाले लूप पे जाएगा और कहेगा कि भैया आप नेक्स्ट राउंड की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट राउंड में फिर से ये अंदर आएगा, इनर लूप चेक करेगा, ये तब तक काम करता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, जैसे ही फॉल्स हुआ ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद वापस से आउटर लूप में तैयार हो गया, आउटर लूप में तब तक चलेगा जब तक आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है, जैसे ही फॉल्स हुआ वैसे ही इसके बाहर बाय बाय। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा प्रोग्राम करके थोड़ा सा कोड करके भी देखेंगे जिससे थोड़ा सा हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा इटरेशंस को देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट समझ में आएगा। तो एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपका क्या कहते हैं एक इनर लूप है, एक इनर वैल्यू है जो आपको आउटर इटरेशन के साथ इनर इटरेशन की दोनों की वैल्यू दिखाएगी कि किस तरीके से आपका आई और जे, बाहर वाला लूप और इनर वाला लूप आपका चेंज हो रहा है, आपको ये दिखाना है एक प्रोग्राम बना के। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम दो लूप बनाएंगे और दो लूप में हम बताएंगे कि हमारा इनर वाला लूप है वो कितना चलता है और बाहर वाला लूप हमारा कितना चलता है। तो चलो एक लूप बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं लेट इनर काउंट, जिसको हम देते हैं 1, और कंडीशन रखते हैं कि ये इनर काउंट बाहर वाला लूप कब तक चलेगा, जब तक ये 2 बार ना चल जाए, और इसकी कंडीशन क्या है, ये हर बार एक एक करके इंक्रीज करेगा। चलो वेल एंड गुड, ऐसे ही सिमिलरली एक इनर लूप बनाते हैं हम। तो ये आउटर लूप है तो हम उल्टा करेंगे, ये हमारे पास इनर लूप है, ये हमारे पास इनर लूप है, तो हम आउटर लूप में क्या रखेंगे, आउटर लूप में लेट आउटर काउंट को 1 से स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली हम कहेंगे आउटर काउंट जब तक हमारा 3 times एग्जीक्यूट नहीं करता है तब तक काम करो और इसको एक एक करके आगे बढ़ाओ। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करके देखते हैं, वो ये कि जितनी बार हमारा आउटर लूप चलेगा उतनी बार मैं यहां कर क्या करूंगा, स्टार्टिंग में ही कुछ प्रिंट करा दूंगा, कहूंगा आउटर लूप स्टार्टेड, आउटर लूप का जो नंबर है वो प्रिंट करा देते हैं। तो आउटर लूप का नंबर क्या है यहां पे, आउटर लूप। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ये आउटर लूप जो भी नंबर होगा 1 के केस में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और यहां पे हम क्या कराएंगे, यहां पे हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, यहां पे हम इनर लूप की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो हम देखेंगे यहां पे इनर लूप में क्या चल रहा है, तो हमारे पास इनर लूप है, हमारे पास आउटर लूप है, इन दोनों में देखेंगे क्या चल रहा है। तो चलिए हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखो और अच्छा करने के लिए एक और काम करते हैं,
जो हमारा आउटर लूप, जो इनर लूप है, उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके शिफ्ट कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे कि हो क्या रहा है, थोड़ा सा बेटर दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको जब एग्जीक्यूट किया तो हम देखेंगे पहले एक आउटर लूप चला जो कि किसकी वैल्यू पे चला, आउटर लूप जब चला तो इसने देखा कि इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 के लिए यहाँ पे कंडीशन चेक की इसने कि क्या 1 3 से छोटा है, यस, तो इसने यहाँ पे आके प्रिंट किया आपका आउटर लूप 1, बहुत बढ़िया। अब ये कंडीशन चलने के बाद ये स्टेटमेंट, अब आगे स्टेटमेंट है जो वो प्रिंट होगा, अब आगे स्टेटमेंट एक लूप था जो खुद में मल्टीपल टाइम चलने वाला है, जिसकी इनिशियल वैल्यू थी 1, वो कब तक चलेगा, जब तक 2 से छोटा या 2 के बराबर है, तो फर्स्ट टाइम जब ये प्रिंट करेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तब उसके बाद ये इंक्रीज करेगा इसकी वैल्यू 2 हो गई, 2 टाइम प्रिंट कर दिया, फिर इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 के केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कहेगा भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद ये लूप कहां जाएगा, एक्सप्रेशन अपना आगे वाला आउटर लूप का बढ़ाएगा, आउटर लूप की वैल्यू पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी, चेक करेगा क्या 2 छोटा है 3 से या बराबर है, यस, तो यहां पे अब 2 प्रिंट होगा जो कि आपका ये 2 प्रिंट हुआ। सिमिलरली आपका इनर लूप फिर से चलेगा, ये कहां से स्टार्ट होगा, वापस से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि फिर से इनिशियलाइज हो गया, तो आपका 1 से स्टार्ट हुआ और 2 बार प्रिंट करेगा, फिर आपका ये प्रिंट होने के बाद वापस जाएगा, ये 2 से इसकी वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, अब 3 के केस में फिर से चेक करेगा क्या ये वैलिड कंडीशन है, यस, तो 3 के केस में फिर से एक बार ये प्रिंट होगा, फिर से आपका एक लूप चलेगा जो 2 बार चलता है इनर लूप, ये चलेगा, फाइनली एक बार बाहर जाएगा, इसकी वैल्यू अब 4 हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका अंदर लूप नहीं जाएगा और यहां से कहेगा बाय बाय आप एंड हो गए हो। तो ऐसे आपका इनर लूप और आउटर लूप वर्क करता है। तो चलिए अगर इसी में, अगर मैं आपको छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज करने के लिए बोलता हूं कि इस इनर लूप में और आउटर लूप में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, वो ट्विस्ट क्या है उसको समझते हैं। हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है कि अगर मेरे पास ये स्टार 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 3 बार आएगा, स्टार 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 3 बार आएगा, फिर स्टार स्टार आएगा, फिर स्टार स्टार आएगा, स्टार स्टार आएगा, मतलब पहली जो जो बाहर जो जो नंबर ऑफ रोज यहां प्रिंट हो रहे हैं वो 5 है, पर एक लाइन में जो प्रिंट हो रहा है वो कितने है? एक लाइन में प्रिंट होने वाले हमारे पास सिर्फ 3 आइटम है, ठीक है। तो इसको अगर मैं कहूं कि जो मेरा इनर लूप और आउटर लूप है इसी को थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करते हैं, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रिजल्ट है, कॉन्स्ट एक कॉलम है, इस कॉलम में इसकी कॉन्स्ट नहीं लेते, लेट लेते हैं क्योंकि चेंज होगा, एक कॉलम है जिसमें हमारे पास अभी एम्प्टी है, इस कॉलम की वैल्यू हमें क्या करनी है, इस कॉलम की वैल्यू हमें बढ़ाते चलनी है, इस कॉलम की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, जो भी कॉलम की वैल्यू थी उसमें हम एक स्टार ऐड कर देंगे, जितनी बार चलेगा उतनी बार स्टार ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है और कब कब प्रिंट करना है, जितनी बार इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा उतनी बार हमें ये एक बार स्टार प्रिंट कर देना है, तो इसको मैं कॉलम को यहां प्रिंट कर देता हूं। अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि बाहर वाला जो ये कितनी बार रो प्रिंट हुई है, कितनी बार बाहर वाला आउटर लूप चलना चाहिए, 1 2 3 4 5 यहां पे 5 टाइम चलना चाहिए, तो ये वाली जो कंडीशन है ये 5 होगी। इनर लूप कितनी बार चलना चाहिए, 3 टाइम चलना चाहिए, तो ये एक ये आपका 3 होना चाहिए, तो ये 5 होगा और ये 3 होगा। तो चलिए इसके साथ एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि फाइनली हमारा आउटकम क्या आने वाला है। तो चलिए, तो हमारे पास ये जो पैटर्न था ये प्रिंट हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसके साथ में कुछ चीजें और चेंज करने वाला हूं, वो आप ट्राई कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ये कैसे चला, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया। अगर मैं कहूं कि ये जो पैटर्न है इस पैटर्न में थोड़ा सा मुझे ट्विस्ट चाहिए, अब ट्विस्ट क्या चाहिए था कि मुझे पहले वाले में एक बार चाहिए, दूसरे वाले में 2 बार चाहिए, तीसरे वाले में 3 बार चाहिए, और ये मेरे को 3 बार बेसिकली प्रिंट कराना है, ऐसा कुछ ऐसा ट्राइंगल टाइप का क्या कहते हैं शेप बनाना है। तो मेरा बाहर वाला लूप 3 बार चलेगा, अंदर वाला लूप 1 से चलेगा पर कहां तक चलेगा, इंटरेस्टिंग है, तो सोचिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि ये चलेगा आउटर काउंट तक चलेगा, मतलब पहली बार में 1 होगा, दूसरी बार में 2 होगा, तीसरी बार में 3 होगा, यही तो चाहिए, पहली बार में 1 होगा, दूसरी बार में 2 होगा, तीसरी बार में 3 होगा, यही चाहिए था। चलिए प्रिंट करा के देखते हैं क्या मेरा एक स्टार पैटर्न, एक ट्राइंगल का शेप रेडी हो गया, यस। तो आप भी और शेप्स बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आपको कौन कौन से शेप्स और कौन कौन से इंटरेस्टिंग शेप्स बनाने में मजा आया और आपने क्या क्या बनाया, ठीक है। तो इसके साथ अब हम समझते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, इसको बोलते हैं हम ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या है, मतलब ठीक है यार मैं लूप चला रहा हूं, एक लूप चल रहा है जिसमें कोई कंडीशन जो है वो रिपीटेड रिपीटेड मोड में चल रही है, तो अब इसमें ब्रेक की बात कहां से आ गई, ब्रेक क्यों लगाना है। तो कई बार ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, मे बी आपको उससे बेटर समझ में आएगा हमें ब्रेक की जरूरत कहां पे पड़ी। हमें क्या हुआ, सबके साथ होता है, कॉलेज में हो आप, स्कूल में हो,
तो थोड़ा सा फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है, तो कई बार ऐसा होता है घर वालों को बताते हैं, कई बार घर वालों को नहीं बताते, जो कि गलत है, पर ठीक है, हम कई बार घर वालों को नहीं बताते। तो ऐसे ही एक एक मेरा फ्रेंड है, उसको नाइट में पार्टी करने की आदत है, तो क्या करता है ऐसे नाइट में ऐसे निकलता है, देखता है कि गेट पे कोई नहीं है तो जाता है पार्टी करता है। तो यहाँ पे डिस्क है और बहुत सारे लोग हैं, डिस्को दीवाना, बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स के साथ जाता है पार्टी करता है मेरा फ्रेंड, और फाइनली ऐसे घर आ जाता है चुप से। ठीक है, तो ये डेली का रूटीन है, ऐसे जाता है निकलता है और क्या कहते हैं पार्टी करके वापस घर आ जाता है, डेली का रूटीन है, नाइट में निकलेगा जाएगा पार्टी करेगा वापस आ जाएगा। एक दिन बेचारे के साथ बुरा हुआ, एक दिन बेचारे को यहाँ पे उसके पापा मिल गए, और रात में निकलते समय पापा ने देख लिया कि अरे बेटा बेटा तो रात में पार्टी के लिए जाता है, और यहां से उसके पार्टी के लिए लग गया ब्रेक। तो आज के बाद क्योंकि वो पकड़ा गया और उसका अब ब्रेक लग गया और अब से उसकी पार्टी हो गई बंद। तो जो ये डेली का रूटीन, जो ये डेली का लूप चल रहा था, ये एक ऐसी कंडीशन आई, वो कंडीशन क्या थी कि जब तक पापा ने या मम्मी ने नहीं पकड़ा था तब तक ये लूप में चल रहा था, और जैसे ही उन्होंने पकड़ लिया तब से आपकी नाइट पार्टी बंद हो गई। तो इस केस में अब प्रोग्राम के केस में समझते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, तो प्रोग्राम के केस में अगर हम इसको समझते हैं तो आपका क्या है, आपका लूप कोई भी हो, भला वो फॉर लूप हो, डू वाइल लूप हो, कोई किसी भी टाइप का लूप हो, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जब उसको वो ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया तो वहां वो टर्मिनेट कर जाएगा। जब जब कभी मम्मी ने पापा ने पकड़ लिया तो आपका वहां ही वो टर्मिनेट कर जाएगा, उसके बाद वो लूप में नहीं जाने वाला है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, आपने स्टार्ट किया, कोई कंडीशन है, उस कंडीशन को चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप ब्रेक कर गए यहीं से बाहर, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं थी, जब तक आप पकड़े नहीं गए थे तब तक तो आप ये वापस से रूटीन डिस्को दीवाना पार्टी चल रही थी, और जब आपके ये पकड़े गए तभी आपका पार्टी का स्टॉप लग गया ब्रेक। ठीक है, तो इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम इस ब्रेक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे हमने पहले भी एक ये लूप वगैरह लिए थे जिसमें हम चीजें प्रिंट करा रहे थे, तो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ऐसा कि हमारे पास एक वाइल लूप था जिसमें हमने सम वगैरह प्रिंट कराया था, या फिर हमने एक टू का टेबल प्रिंट कराया था। तो ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि टू का टेबल प्रिंट होना है, और टू का टेबल कितने बार हो सकता है, 100 टाइम्स हो सकता है, मतलब 2 1 2 2 2 2 और ऐसे पता नहीं कितनी बार हो सकता है। पर उसके लिए सिंपल सी हमने एक कंडीशन लगा दी, वो कंडीशन क्या है, वो सिंपल सी कंडीशन ये लगा दी कि अगर आपका जो नंबर है वो अगर धोखे से 10 से ज्यादा हो गया तो भैया मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे ब्रेक कर जाओ खत्म, बाहर जो भी हो रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, अंदर मैंने एक कंडीशन लगाई, जब भी ये नंबर 10 से बड़ा हो गया तभी आप ब्रेक कर जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से बाय बाय टाटा सी यू अगेन। तो अगर मैं इस कंडीशन को कहीं भी डाल सकता हूँ, मैं इस कंडीशन को डालता हूँ स्टार्टिंग में, मैं कहता हूँ कि ठीक है आपको जो लूप चल रहा है बार 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 काम कर रहे हैं, वही गेट की बात कर रहे हैं, आप घुसे यहाँ पे गेट पे ही पापा ने पकड़ लिया, वो कंडीशन क्या थी कि आपका नंबर इज इक्वल टू, नंबर इज ग्रेटर देन 10, जैसे आप पकड़े गए वैसे ये जो आपका लूप था यहीं टर्मिनेट कर जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर ये यहां पे ब्रेक नहीं था तो क्या होता, अगर यहां ब्रेक नहीं था तो आपकी पार्टी चली रही थी, डिस्को दीवाना कहां गया, तो आपका 200 टाइम आपका ये चीज प्रिंट हुआ, पर क्योंकि आप यहां पे एक ब्रेक लग गया, एक कंडीशन है जिसमें आप पकड़े जाने के चांसेस हैं आपके, तो आपने जब लूप लगाया तो आप देखोगे कि कब तक चला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे ही ये 10 मीट हुआ, जैसे ही ये लूप में चल रहा था, ये लूप में चल रहा था, लूप में चल रहा था, जैसे ही ये कंडीशन मीट हुई ब्रेक, मतलब ब्रेक का मतलब बाहर टर्मिनेट, आप इस लूप के बाहर चले गए, अब आप कंटिन्यू नहीं करोगे। तो ये बेनिफिट होता है ब्रेक का, कभी किसी कंडीशन में कुछ कुछ ऐसी एक्सप्लिसिट सिचुएशन होती है, आप चाहते हो कि अगर ऐसा लूप में चलते चलते कुछ ऐसी कंडीशन आ गई तो आप उसको बाहर निकल जाओ, भला मैंने सब्सक्रिप्शन 1 साल का ले रखा है पर कभी आपने सर्विस बहुत खराब दी, कभी आपने कुछ डैमेज प्रोडक्ट दे दिया, उसी दिन मैं सर्विस टर्मिनेट कर दूंगा। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लाइफ में भी करते रहते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप के साथ होता है, डू वाइल के साथ होता है, आप किसी के साथ भी उस चीज को ट्राई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें वो स्टेटमेंट ब्रेक वाला किसी कंडीशन पे देना है। अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, वो होता है कंटिन्यू। अब इस कंटिन्यू के केस में क्या होता है, कंटिन्यू के केस में थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे समझते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसमें हम पार्टी करने के लिए, पार्टी करना तो बहुत पसंद है, सबको पसंद होता है, आपको पसंद है, तो हम पार्टी करने के लिए सेम चीज है कि हमने क्या किया, हम रात में फिर तैयार हुए, हम पार्टी के लिए आज जाना है, पार्टी के लिए तैयार हुए, बाहर निकले, गेट पे कोई नहीं था,
चलो डिस्को दीवाना, पार्टी स्टार्ट, रॉक एंड रोल। तो फ्रेंड्स के साथ हमने पार्टी की, वापस आ गए। ये रूटीन हमारा डेली चल रहा था। अब इस बार यहाँ पे पापा खड़े थे, या इस बार मम्मी खड़ी थी। चलो हमने देखा कि पापा या मम्मी खड़े हुए हैं, अब तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ गया, पकड़ा गया, तो दिक्कत हो जाएगी कि आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो स्मार्ट, देखा कि आगे पापा हैं, यहीं से वापस घर वापस। अब फिर उस वापस आए नेक्स्ट डे, चेक किया क्या पापा हैं, अगर हैं तो फिर वापस। चेक किया कि अगर पापा नहीं है तो फिर वापस गए, और पार्टी तो बनती है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक कर रहे हो। इसमें आप गए और पकड़े नहीं गए, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू के केस में क्या होता है, आपने देखा कि वहां पे पापा है, आप वहां से रिटर्न कर गए, ताकि आप नेक्स्ट इटरेशन में दोबारा आके अगले दिन देखोगे कि अगर नहीं है, कंडीशन मीट नहीं हो रही है, तो फिर से पार्टी चलेगी भाई, पार्टी खत्म थोड़ा ना होगी। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ। तो इस केस में क्या होता है, सिर्फ हमारा वो जो लूप होता है, जहां पे बीच कंडीशन मीट होती है आपकी कंटिन्यू वाली, वहां पे वो जो लूप होता है वो एक बार स्किप हो जाता है, और कुछ नहीं होता, ब्रेक नहीं होगा, वहां से खत्म नहीं होगा, सिर्फ वो वाली एक लूप जो है वो स्किप कर जाएगा, दैट्स ऑल। तो इस केस में क्या करेंगे, एक लूप आपका चल रहा है, एक कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो आगे बढ़ेगा, अगर देखेगा कि ये कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू के केस में क्या है, कंडीशन मीट हो गई है, तो वापस से यहीं से चला जाएगा वो अपनी लूप में, वापस आगे नहीं जाएगा, जो भी चीजें हैं पार्टी करने नहीं जा रहा है, यहां से वापस चला जाएगा, नेक्स्ट डे फिर वापस आएगा। वापस आने के बाद चेक करेगा कंडीशन मीट नहीं की, तो ठीक है आगे चलो, कोई नहीं था भाई गेट पे, तो चलते हैं। जैसे ही किसी भी केस में कंडीशन मीट की, ये वापस चला जाएगा, और आपका लूप तो जितना चलता है वो चलेगा, बस वो चीजें स्किप कर जाएंगी जहां पे आपका ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है। जिस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी, उस केस में ये स्किप कर जाएगा। तो चलिए हम इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या लेंगे, डिस्प्ले एनी ऑड नंबर्स टिल 20 तक, हमें ऑड नंबर बेसिकली प्रिंट करने हैं। तो हम वापस से स्मार्ट तरीका, स्मार्ट लो, तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने देखा था एक फॉर लूप बनाया था जिसमें हमने 20 तक की चीजें प्रिंट की थी, ऐसा कुछ किया था। तो हमने क्या किया था, हमने 2, 4, 8 करके चीजें प्रिंट की थी। अब इस केस में अगर मैं कहता हूं कुछ सिमिलर टाइप की चीजें करता हूं, कि हमारा जो नंबर है वो 1 से 20 तक जाएगा, बट इस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब नहीं करना है, हमें 1, 3, 5, 7 ऐसा कुछ प्रिंट करना है। तो हमें प्रिंट क्या करना है, हमें चाहिए 1, 3, 5, 7, 9 कुछ ऐसा प्रिंट करना है, और कहां तक प्रिंट करना है, फाइनली 19 तक कुछ ऐसा प्रिंट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं कहूं कि चलो भाई तुम प्रिंट तब करना, वो सिनेरियो में स्किप कर जाना जहां पे आपका नंबर अगर मॉडुलस 2 अगर 0 आता है, मतलब जो जो आपको इवन नंबर मिलते हैं उन केस में आप स्किप कर जाओ, कंटिन्यू मतलब स्किप कर जाओ, आप आओ देखो कि ये जो नंबर है अगर ये इवन है, विच इज अगर 2 है 4 है कुछ भी है, तो आगे नहीं बढ़ो, आप यहीं से स्किप कर जाओ, वापस घूम के आओ, आप स्किप कर जाओ, वापस से घूम के आओ, मतलब यहीं से स्किप कर जाओगे वापस से घूम के आओगे। जो भी आपके नंबर जैसे 3, 5, 7 ऐसे कंडीशंस हैं जो मीट नहीं करते हैं इस कंडीशन को, उस केस में क्या होगा, आप कंटिन्यू करोगे, जो भी कंडीशन यहाँ मीट कर जाएगी स्किप करोगे और यहाँ पे आ जाओगे। तो चलो अब एक बार हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। नोड, अच्छा ऊपर वाले फंक्शंस को क्लोज कर देते हैं ताकि कोई नॉइज ना हो। चलो कमेंट कर दिया, अब आगे आए, चलो भाई देख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 और हमारे पास ये सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। बहुत ही बढ़िया, हमने कंटिन्यू को भी यहाँ पे समझने की कोशिश की है, सेम आप वाइल के साथ कर सकते हो, मुझे भरोसा है आप करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं चिराग गोयल आपसे विदा लेता हूँ आज के लिए, और हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखी है, हमने लूप्स को समझा है, हमने लूप्स में ऊप्स को समझा है, हमने लूप्स में प्रोग्रेस और स्टॉप को समझा है, और इन्फिनिटी ऊप्स को समझा है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें की है यहाँ पे लूप्स में, हमने व्हाइल लूप को समझा है, डू व्हाइल लूप को समझा है, फॉर लूप को समझा है, नेस्टेड फॉर लूप को समझा है, हमने उसमें पैटर्न बनाना सीखा है, रियल लाइफ में जो चीजें होती हैं वो सीखी हैं, हम हर जगह हमारा ऊप्स होता है, हमारा लूप्स होता है बेसिकली, राइट। तो हमने लिंक्डइन पे गए थे, प्रोफाइल देखा था, हमने प्रोडक्ट पे गए थे, प्रोडक्ट पेज पे वहां देखा था, PWA स्किल के कोर्सेज में जाके देखा था, तो हर जगह हमें कहीं ना कहीं वो लूप्स मिल जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, साइनिंग ऑफ चिराग गोयल।